लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है, जिसके चलते सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी संगठन शक्ति मजबूत करने की दृष्टि से प्रयास करना शुरू कर दिया है, जिसके विषय में जानकारी देते समय कांग्रेस प्रभारी रमेश चेतीनला ने पीसीसी एग्जीक्यूटिव सभा के विषय में जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीसीसी कार्यकारिणी ने महाराष्ट्र के 6 संभागों में कांग्रेस की बैठकें आयोजित की है। पहली बैठक नागपुर अमरावती भी हो रही है। महाविकास आघाड़ी में सहयोगी दलों से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में किसे कितनी सीटें दी जाएगी, इस पर मोहर लगेगी। कई जगहों पर इस पर सहमति बन चुकी है। हम अगले सप्ताह यथाशीघ्र अंतिम सूची की घोषणा करेंगे। सबसे पहले हम आदिवासी इलाके गढ़चिरौली जाएंगे और बैठक करेंगे। शहर में हमेशा बैठकें होती रहती है, इसलिए इस बार हम ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, ऐसा भी इस वक्त रमेश चेतीनला ने कहा। तो वहीं मिलिंद देवड़ा के दल बल को लेकर सवाल पूछा गया, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि एक राजनीतिक दल में हम पार्टी और सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम एक आदर्श और एक विचार के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ लोगों के पास पद नहीं होता तो वे चले जाते हैं, उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। आने वाले चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने पीसीसी एग्जीक्यूटिव ने 5-6 हमारे रीजन में कांग्रेस जनों का मीटिंग की आयोजित की है। पहले मीटिंग हमने अमरावती में होगा, सो 29th के से पूरा मीटिंग पूरा हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए और पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी के लिए हमने ये मीटिंग आयोजित की। विकास आघाड़ी के साथ हमारे चर्चा हुए हैं और आम सहमति हुए हैं, आने वाले दिनों में किसको सीट के बारे में फाइनलाइज करेंगे और हम लोग आगे जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया आम सहमति तो हो गया, बाकी आने वाले दिनों में आपको इसका फाइनलाइज करके हम लोग दे आदिवासी एरियाओं में हैं, पहली बार उतर रहे हैं, तो हमने सोचा था कि नागपुर में तो हर मीटिंग होते हैं, इसलिए तो एक ग्रामीण इलाका में हो जाए, इसलिए क्योंकि नागपुर में बहुत बड़ा रैली भी किया है, इसलिए ऐसे किए। देखिए, एक राजनीतिक दल में हम लोग पद के लिए नहीं रहते, पावर के लिए नहीं रहते, एक आदर्श को लेकर हम लोग पार्टी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि उनको पद चाहिए, पद नहीं रहता तो चले जाते हैं। ठीक है भाई, जाइए, उनका कोई इतराज नहीं है, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस सक्षम है और कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की सच्चाई बोलने वाले चारों शंकराचार्य राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाएंगे तो आप हमसे क्यों पूछते हैं। उनका कहना है कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है, अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं तो यह राजनीति है, हम राम को मानते हैं और हजारों की संख्या में जाएंगे, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है कि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में राजनीतिक लाभ के लिए यह सब चल रहा है। नंबर वन, ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, 4 शंकराचार्य ने नहीं जा रहे, फिर आप क्यों हमसे पूछ रहे। सनातन धर्म का प्रामाणिकता हमारे शंकराचार्य जी को होता है, वो 4 लोग नहीं जा रहे, वो बोल रहे कि यह राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। हमारे प्रधानमंत्री उधर जा करके इनॉग्रेशन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, से क्या ये राजनीति नहीं है। हम जाएंगे, हम लोग राम को हम लोग भी मानते हैं, हजारों की तादाद में लोग जाएगा, इसके बाद भी हम लोग जाएंगे। इसको लोकसभा चुनाव के दे करके राजनीतिक लाभ उठाने के काम चल रहे हैं, इसको हमको सहमत नहीं है। कोई जाना भी चाहता है तो वो जल्दी जाए, लेकिन मेरे मन में और मेरा विश्वास है कि कोई नहीं जाएगा। पार्टी के विश्वास आदर्शों को लेकर के जो भी काम करते हैं वो लोग नहीं जाएंगे। आजकल यही चल रहे ना, CBI और ED के दुरुपयोग हो रहे हैं, विपक्ष के नेता लोगों को कार्यकर्ताओं के ऊपर केस चला रहे हैं,
क्या कोई बीजेपी के नेता के घर में कोई रेड हुआ है, किसी के साथ कोई अरेस्ट हुआ है? तो आजकल बीजेपी ने एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जो भी विरोधी दल का लोग उनके ऊपर ईडी और सीबीआई को चला रहे हैं, ताकि उनको पॉलिटिकली उनको खामोश रहने के लिए, कराने के लिए कोशिश हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश के विपक्ष एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस के द्वारा इस बार सरकार बनाएंगे। जीवन की काम चल रहे हैं अभी लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए लोग समझ रहे हैं चार शंकराचार्यों ने मना किया जाने का, इससे ज़्यादा क्या आपको प्रमाण चाहिए? हाँ, सबको मालूम है एक किसके लिए है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो काम केंद्र बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं, इसलिए लोग नहीं जा रहे। राम के प्रति निष्ठा है, हम लोग भी जाएंगे, जहां राम है वहां अयोध्या है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।